वेल, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात ने हमें गर्मी से तो राहत दिलाई है, लेकिन कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी अपने साथ लेकर आई है। जी हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। अगर बात करें खराब लाइफस्टाइल की, तो आजकल यूथ में भी जॉइंट पेन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ बरसात का मौसम शुरू हुआ नहीं कि लोगों में पैर और कमर दर्द की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपको भी ये परेशानी जो है वो महसूस होती है, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ आयुर्वेदिक उपाय जिनको अपनाकर आप घर पर ही जॉइंट पेन की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। डॉक्टर्स की माने तो बरसात के दिनों में अक्सर लोगों को जोड़ों में दर्द और अकड़न की शिकायत होती है, जिसके वजह से व्यक्ति को कमजोरी का एहसास भी होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारा शरीर कई तत्वों से जुड़कर बना है। ऐसे में जब मानसून के दौरान हवा में नमी और तापमान में अचानक परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति के शरीर में वायु इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। वात दोष के असंतुलन से जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन और दर्द हो सकता है। जिन लोगों को बरसात के मौसम में जोड़ों और शरीर में दर्द की शिकायत रहती है, वो कुछ आयुर्वेदिक उपाय अपना सकते हैं। डॉक्टर्स की माने तो शरीर में वायु का शमन यानी कि एयर की डेंसिटी कम करने के लिए लोगों को सौंठ की चाय पीनी चाहिए। इसके लिए एक कप पानी में 1/4 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर डालकर उबालें और फिर इसे पिएं। इस चाय का सेवन सुबह और शाम दोनों वक्त एक एक कप कर सकते हैं। दर्द वाली जगह पर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल से मालिश करें, इससे वेदना शमन यानी कि दर्द कम हो सकता है और इन्फ्लेमेशन की शिकायत भी कम हो सकती है। दर्द वाली जगह पर अजवाइन के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। अजवाइन के तेल की मालिश से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। ज्यादा फायदे के लिए रात के समय जोड़ों की मालिश करें और फिर सो जाएं। इससे रात भर में आपको ज्यादा आराम मिल सकता है। वहीं मानसून में दर्द से राहत पाने के लिए तुलसी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पिएं। ये शरीर को गर्माहट देता है और दर्द से राहत दिलाता है। इसके साथ ही इस काढ़े को पीने से शरीर की इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। वहीं गुनगुने पानी से स्नान करें, इससे मांसपेशियों की अकड़न कम होती है और शरीर को आराम मिलता है। मानसून के मौसम में शरीर दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन आयुर्वेद उपचारों का सहारा लेकर इसे आसानी से कम किया जा सकता है। आयुर्वेदिक उपचार न केवल शरीर को आराम देते हैं, बल्कि दूसरे शारीरिक लाभ भी पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।